हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज डेट है 6 मार्च 2024 और मनाली के अंदर बहुत अच्छा स्नोफॉल अभी शुरू हो चुका है। हम लोग हैं अभी सोलांग वैली के अंदर। आज सोलांग वैली नॉर्मल गाड़ियां सोलांग वैली तक आई है सुबह, और सोलांग वैली से आगे किसी भी तरह की गाड़ी को आगे के लिए नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि यहाँ पे अभी एक दो दिन पहले एवलांचे हुआ था, उसके डर से किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया गया है। लेकिन आप सोलांग वैली में आते हैं तो सोलांग वैली में बहुत अच्छा लाइव स्नोफॉल और सारी की सारी स्नो एक्टिविटीज सोलांग वैली के अंदर मिल जाती है। तो अभी कल आप कहां तक आ पाएंगे, कौन सी गाड़ी से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले पाएंगे, सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अभी हम लोग रुक के यहां की वीडियोस बनाते हैं और सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और कोई भी लोग अगर मनाली का प्लान बना रहे हैं तो उन सबको ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको मनाली का ट्रैवल प्लान करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, बहुत अच्छे से वो मनाली का ट्रिप एंजॉय करके जाए। 4:55 हुए हैं और अभी बहुत अच्छा स्नोफॉल शुरू हो चुका है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, और ये देखिए अभी लंबा ट्रैफिक लगा है यहाँ पे। कुछ लोग टू व्हीलर लेके चले हैं, और ये वैली अभी सफ़ेद होने लगी है। ये पुराना ब्रिज जो कि अभी यूज़ में नहीं है, सोलांग वैली जाते हुए पहले ये ब्रिज ही क्रॉस करके जाते थे, और ये बीच में एक मंदिर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, और ये काफ़ी लंबा ट्रैफिक अभी लगा हुआ है यहाँ पे। चार बज के अभी हुए हैं 57 मिनट, 3:05 है अभी, और हम लोग 4 बजे के आसपास ही निकले थे आज, ताकि ये स्नोफॉल की वीडियो बना सके। सुबह के टाइम पे तो स्नोफॉल नहीं हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्नोफॉल शुरू हो चुका है। और ये देखिए दोनों ओर बर्फ की सफेद चादर बढ़ती ही जा रही है। अभी और ऊपर चलते थोड़ा सा हम, ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी। और अभी थोड़ा सा आगे हम लोग चले हैं, और ये देखिए अभी बहुत अच्छा स्नो शुरू हो चुका है। सारी की सारी गाड़ियां अभी ज़्यादातर रिटर्न हो रही है, और हम लोग चले हैं इस टाइम पे बर्फ में वीडियो बनाने, ताकि मनाली के लेटेस्ट सबसे पहले आप लोगों को दे पाए एकदम एग्जैक्ट। और ये यहाँ पे सोलांग डायरीज का मोड़, यहाँ पे एक होम स्टे है, साथ में यहाँ का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो अभी इस मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं, और इसे थोड़ा ऊपर जाके हम देखेंगे, गाड़ी की पार्किंग ढूंढेंगे, और उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स, बहुत बढ़िया फ्रेश स्नो आपको दिखाएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। 5:00 अभी हुए हैं 18 मिनट, और ये हम लोग आज 4 बजे के लगभग चले थे सोलांग वैली के लिए, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइव स्नो शुरू हो चुकी है। ये देखिए अभी ज़्यादातर टूरिस्ट अभी जो है रिटर्न हो रहे हैं मनाली के लिए। अभी कुछ देर में यहाँ पे आधे घंटे बाद लगभग अंधेरा हो जाएगा, और मनाली की अच्छी से अच्छी अपडेट आपको मिल पाए स्नो से रिलेटेड, इसके लिए हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे। अभी रोड पे स्नो जमनी शुरू नहीं हुई है, अभी ये लगभग दोपहर से स्नोफॉल चालू हुआ था, लेकिन उस टाइम पे आ रहा था बीच में रुक रुक के, और अभी कंटिन्यू स्नोफॉल शुरू हो चुका है। और ये देखिए टूरिस्ट की मस्ती, अभी गाड़ी से निकल के वीडियोस बना रहे हैं अभी, और सारी की सारी गाड़ियां अभी मज़े से चली हुई है, किसी तरह की अभी गाड़ियों को दिक्कत नहीं हो रही। तो अभी हम लोग यहां पे रुकेंगे कुछ देर, और देखते हैं कितना स्नोफॉल होगा अभी, और कल कहां तक आप लोग गाड़ियां लेके आ पाएंगे सोलांग वैली की तरफ। और ये पेड़ अभी बहुत सुंदर हो चुके हैं, बहुत ही अद्भुत यहाँ का नज़ारा, और यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट नीचे स्नो के अंदर खेल रहे हैं। यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, कुछ लोगों की गाड़ियाँ नीचे खड़ी है, जैसे स्नोफॉल शुरू हुआ था तो ये कुछ गाड़ियाँ जो है नीचे की ओर खड़ी कर ली थी, तो ये लोग पैदल चले हैं अभी। ये पेड़ों के बीच में से आप देख पाएंगे इनको,
ये पैदल पैदल चले हैं, घूमी घूमी करने नहीं, अपनी गाड़ियां के पास गाड़ियां पकड़ने। अभी 5:45 हुए हैं और गाड़ियों की लाइटें ऑन होनी शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर टूरिस्ट जो है अभी सोलांग वैली से निकल चुके हैं। आज सोलांग वैली में काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत सारे टूरिस्ट अभी पहुँचे थे सोलांग वैली के अंदर, और अभी तो बहुत कम गाड़ियाँ बची है। और ये देखिए अभी जितने भी सोलांग वैली के आसपास के पेड़ हैं, ये सारे के सारे अभी वाइट होने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए अभी दूर कहीं मस्ती चली है टूरिस्ट के बीच में, अभी बर्फ के अंदर खूब सारी मस्ती ये लोग अभी कर रहे हैं। और जितने भी ये गाड़ियाँ थी, सभी गाड़ियों की छतें अभी सफ़ेद हो चुकी है, और ये तो अलग ही लेवल की मस्ती है भाई। देखते हैं अभी क्या करना चाहते हैं ये लोग और कहां कहां से आ जाते हैं। तो जानते हैं कहां से ये लोग आए हैं और बर्फ के अंदर कैसी मस्ती, ये कैसे लोटपोट हो रहे हैं। ये देखिए कपल है जो भी बर्फ के अंदर लोटपोट हो रहा है। और यहाँ पे होती है एक्टिविटीज़ सोलांग वैली के अंदर, एक्टिविटी ग्राउंड आगे भी है और कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो अभी ये देखिए आगे से मारुति 800 आते हुए और पूरी की पूरी स्नो से ढक चुकी है आगे से। तो अभी इससे ऊपर हम लोग चल रहे हैं, चले हैं अभी बीचों बीच। यहाँ पे दोनों तरफ गाड़ी लगा दी है, अभी देखते हैं अभी कौन साइड देगा हमें। जो लोग बाइक लेके आते हैं ये यहाँ पे ऐसे फंस जाते हैं। अभी इस पॉइंट पे ये जो मोड़ है, यहाँ पे रोड पे स्नो काफी ज्यादा है, यहाँ पे कुछ गाड़ियां फिसल भी रही थी अभी कुछ देर पहले तक, और सारा रोड ये जो है वाइट होना शुरू हो गया है। पैदल चले हैं लोग और आगे से कुछ गाड़ियां आती हुई फिसलने के डर से अभी वो रुकी है, तो यहीं पे पीछे ही गाड़ी रोकनी पड़ेगी हमें, वार्निंग दे दी है भाई ने। HR22T8402 ये गाड़ी अभी फिसल रही है। डांस करती हुई इस मोड़ पे काफी ज्यादा स्नो हो चुकी है। अभी जितनी भी नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको अभी दिक्कत हो रही है चलने में। ये एटीवी चली है मजे से, उसके पीछे ओमनी, उसके पीछे एक नॉर्मल गाड़ी और उसके पीछे फिर जिप्सी टाटा सुमो, तो काफी गाड़ियां हैं अभी जो ऊपर एक्टिविटी ग्राउंड की तरफ से ये गाड़ियां आ रही है अभी। तो कुछ देर यहाँ वेट करना पड़ेगा जब तक ये गाड़ियाँ नीचे को नहीं आती, उसके बाद ही हम लोग आगे जा पाएंगे। और अभी एक बार आपको साइड का व्यू दिखा देता हूँ कितनी स्नो हो चुकी है बाहर की तरफ। ये देखिए अभी सारे पेड़ सफेद होने शुरू हो गए हैं। ये जिप्सी खड़ी है, इस पर भी काफ़ी स्नो इकट्ठी हो चुकी है। यहाँ पे टूरिस्ट एटीवी खुद से चलाते हुए आप देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बड़े खुश होते हैं टूरिस्ट ना, अभी देखा होगा आपने। तो अटल टनल रह गया है यहाँ से 11 किलोमीटर। अभी हम लोग हैं बैरियर के पास, जो सोलांग वैली का बैरियर है वहाँ पे हम लोग हैं। और यहाँ पे ये देखिए रोड पे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, अभी वन वे के लिए ये रोड खोले गए थे
लेकिन अभी यहाँ पे आगे एवलांच के खतरे रहते हैं, जिसकी वजह से आज 4x4 गाड़ियों को भी सोलांग वैली से आगे जाने नहीं दिया गया। और सोलांग वैली तक तो आप कोई भी नॉर्मल गाड़ी से आ सकते थे, तो यहाँ पे आपको अभी 4x4 पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल गाड़ी से आप लोग सोलांग तक आइए और यहाँ पे बहुत अच्छी स्नो आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही ये स्नोफॉल अभी चला हुआ है, तो हो सकता है कल को आपको सोलांग वैली तक आने के लिए भी 4x4 गाड़ी लेके आनी पड़े। नेहरू कुंड तक तो आप कोई भी नॉर्मल गाड़ी लेके आ पाओगे। अभी हम लोग रिटर्न जब जाएंगे, तो जाते हुए मनाली मॉल रोड के पास पलचान के अंदर नेहरू कुंड के अंदर कितनी स्नो होगी, ये सारा का सारा भी इस वीडियो के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये है बैरियर जहाँ से आगे गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जाता। अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, एक्टिविटी ग्राउंड का सीन आपको दिखाते हैं अभी कितनी स्नो वहाँ पे हुई है। तो ये बहुत अच्छी स्नो अभी हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे एक मंदिर है, देवता कंचन नाग मंदिर, तो ये उसकी बाउंड्री है और वो मंदिर ऊपर जाके है। और यहाँ पे जितने भी ये जोबिंग बॉल थी वो सारी की सारी भी अभी बर्फ से ढक चुकी है। और टूरिस्ट अभी चले हैं यहाँ पे, ये देखिए अभी फोटोग्राफी चली है इनकी। और यहाँ पे चलते हुए बड़ा ध्यान आपको रखना पड़ता है, ये देखिए यहाँ से ये रास्ता है जाने का, और यहाँ पे ये बीच में गड्ढा कितना बड़ा। यहाँ पे पानी की निकासी के लिए एक नाला छोड़ा गया है, तो कभी भी पाँव इसके अंदर जा सकता है आप लोगों का, तो बड़ा ध्यान से चलना होता है। ये जोरबिंग बॉल सारी की सारी भी बर्फ से ढकी हुई, और जितने भी टूरिस्ट है अभी ले रहे हैं बहुत अच्छी स्नो का मज़ा। स्कीइंग भी कुछ लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पे। और उधर दूर आवाज़ें आ रही है जहाँ पे कुछ लोकल लोग एक्टिविटी वाले बैठ के स्नो का मज़ा ले रहे हैं। और ये यहाँ का स्की सेंटर, रोपवे अभी बंद है, ज़्यादातर टूरिस्ट जा चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग अभी स्कीइंग कर रहे हैं, उनके पास से एक बार चलते हैं। और ये यहाँ के गाइड हैं, स्कीइंग करा रहे हैं। और ये देखो भाई, बर्फ़ में खूब मस्ती करते हुए बहुत मस्त हो चुके हैं, ये ले रहे हैं अभी बर्फ का मजा। तो भाई कहाँ से आए हैं आप? भाई पंजाब से। पंजाब से, क्या शुभ नाम आपका? लवदीप। लवदीप भाई कैसा लग रहा है मनाली में स्नोफॉल देख के? बहुत बढ़िया भाई। और स्कीइंग करके? बहुत बढ़िया। अभी हो नहीं रही अभी स्कीइंग हो नहीं रही। लवदीप भाई कह रहे हैं उतार दो यार, नहीं होगी हमसे। होगा होगा, सब होगा। गर्मी आ गई, गर्मी आ गई ना। ब्लॉगर भाई आप? हाँ जी, हाँ जी। चैनल है मेरा एक्सप्लोर विद महिवास, मनाली की अपडेट्स का। ओके ब्रो, तो ये क्लिप आपको मिलेगी उस पे। ठीक है ब्रो। तो लवदीप भाई को मजा लेने देते हैं स्कीइंग का। और ये लवदीप भाई के साथी भी अभी जा रहे हैं ऊपर की ओर बर्फ के अंदर स्कीइंग करने। अभी 6:30 के आसपास टाइम हो चुका है, लेकिन ये टाइम, ये स्नोफॉल, टूरिस्ट की मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खूब सारा मज़ा ये ले रहे हैं अभी सारी की सारी एक्टिविटीज़ का। तो लवदीप भाई मज़ा लीजिए आप स्कीइंग का। और अभी अंधेरा हो चुका है और ये लाइट जला के हम लोग चले हैं अभी। बहुत अच्छी स्नो हो चुकी है अभी सोलांग वैली के अंदर। और यहाँ मोड़ पे, ये वही मोड़ है जहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ फिसलती है। तो चलो ये मोड़ भी क्रॉस कर लिया हमने अभी। जितने भी ये कैफे वाले हैं सफाई कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी बर्फ की, ताकि इनके आगे टूरिस्ट को आने में दिक्कत ना हो। और अभी 7 बज चुके हैं और ये देखिए
बहुत अच्छी स्नो आ रही है अभी, बहुत मोटी मोटी स्नो अभी आ रही है आसमान से, ये देखिए। और रोड हो चुके हैं सफ़ेद बिल्कुल, ये साइड में बाइक देखो पूरी की पूरी बर्फ़ में फंसी है। और यहाँ से हम लोग अभी नीचे की ओर जा रहे हैं और बिल्कुल भी जो है नहीं फिसल रही अभी गाड़ी बर्फ में। काफ़ी अच्छी स्नो आ चुकी है अभी यहाँ। और ये अभी सोलांग वैली के बाद हम आगे हैं कोठी विलेज के अंदर, जो कि ओल्ड रोहतांग रोड पे पड़ता है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नो है, ये देखिए अभी काफ़ी अच्छा स्नोफॉल यहाँ पे चला है। और अभी जो ये स्नो देख रहे हैं आप, रोड के साइड में 2 से 3 फीट के आसपास यहाँ पे स्नो हो चुकी है। तो स्नो के लिए आप लोग कोठी की तरफ भी आ सकते हैं। और ये जो गाड़ियाँ अभी खड़ी है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ अभी कितनी स्नो इन गाड़ियों के ऊपर है, ये देखिए अभी। ये अभी 2-3 दिन पहले जो स्नोफॉल हुआ था, काफ़ी सारी स्नो अभी यहाँ पे हुई थी। और यहाँ पे अभी रोड को तो क्लीन आज कर दिया है। तो सोलांग वैली जब आप आते हैं स्नो के लिए, तो इधर भी आप आ सकते हैं, इस साइड भी काफ़ी अच्छी स्नो। अभी कोठी से आगे तो नहीं जा पाएंगे आप लोग, यहाँ कोठी विलेज के अंदर बैरियर लगे होते हैं। और ये हमारी गाड़ी है इधर जिससे हम लोग आए हैं, ये चैनल नेम और नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से। और अभी काफ़ी ज़्यादा स्नो है अभी इधर, तो अभी यहाँ से हम नीचे की ओर चलते हैं। तो अभी हम लोग कोठी विलेज से नीचे की ओर जा रहे हैं और रोड पे अच्छी खासी स्नो अभी है। रोड के दोनों ओर तो लगभग 1.5 से 2 फीट स्नो है। अभी आज या कल ही ये रोड क्लीन किए गए थे और अब दोबारा से फिर से स्नोफॉल शुरू हो चुका है, तो अच्छी बात है, अच्छी स्नो मिल रही है अभी। जैसा जनवरी के अंदर लोग स्नो के लिए तरस रहे थे, तो इस बार हर एक बंदे के वसूल हो चुका है। जितने भी लोग अभी आए हैं मनाली के अंदर, अच्छी खासी स्नो देख के वो सभी लोग गए हैं। और अभी बर्फ के बीच में काफी देर से हम लोग रुके हैं, ठंड हो चुकी काफी ज्यादा, ये देखिए अभी बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी, भूख भी लगी है। तो अभी हमने पोहे की तैयारी कर ली है, ये तेल हमारा जो है रेडी हो चुका है। अभी इसके अंदर जाएंगे प्याज, ये प्याज अभी इसके अंदर डाल दिए हमने। कुकिंग का मज़ा अलग ही है जब इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही हो। अभी प्याज को छोड़ते हैं एक बार पकने के लिए और आपको एक बार बाहर का व्यू मैं दिखा देता हूँ। ये लाइट का सेटअप ये देखिए, 2 लाइटें यहाँ पे हमने रखी है अभी। और ये प्याज अभी पक रहे हैं, अभी स्नो कितनी हो रही है ये देखिए, अभी बहुत हैवी स्नोफॉल अभी हो रहा है यहाँ पे। और इस स्नो के बीच में कुकिंग हमारी चालू हो चुकी है। अभी यहाँ पे मटर हमने डाल दिए हैं,
तो अभी पोहा रेडी हो चुका है हमारा, और ये बर्फ वाला पोहा है, ऊपर से बर्फ गिर रही है और बहुत अच्छा बना हुआ है ये। तो जिसको भी टेस्ट करना मनाली जब आप आते हैं साथ में आ सकते हैं। ये मत सोचना कि वैसे वीडियो में अच्छा बोलते, अच्छा बनाते भी हम लोग। और अभी कॉफी हो चुकी है, बॉयल हमारी अच्छे से, और अभी इसको गैस को करते हैं बंद और अभी डालते हैं कॉफी गर्मा गर्म। कॉफी के कप बनाए हैं हमने, दो में सर्व कर रहे हैं क्योंकि हम दो लोग हैं और दूसरे बंदे को वीडियो में नहीं ले सकते, उसका चक्कर है कि घर से फिर डांट पड़ती बहुत ज्यादा ना, तो कॉफी का मजा लेते हम लोग और उसके बाद बहुत अच्छी है स्नोफॉल देखते हुए घर की ओर हम लोग जाएंगे। और ये अभी देखिए बहुत ज्यादा स्नो अभी हो चुकी है रोड के ऊपर, काफी हैवी स्नो अभी आ चुकी है। और खाना पीना हमारा हो चुका है, ये जो मिरर है गाड़ी का इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्नो, और ये रोड के साइड में तो पूछो ही ना क्या हाल है अभी स्नो के, और ऊपर के जो पेड़ हैं कहने ही क्या उनके, तो ये देखिए तो काफी अच्छा स्नो हो चुका है अभी सोलांग वैली के अंदर। और अभी हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं, और यहाँ पे भी एक और चीज ये देखिए अभी जो विंडो है उस पे भी अभी काफी ज्यादा स्नो जम चुकी। तो ये अभी चलते हैं हम लोग स्नो ड्राइव करते हुए मनाली की ओर, और काफी अच्छी स्नो अभी रोड पे हो चुकी है और बहुत सुंदर अभी ये लग रही है। सामने से अभी बोलेरो कैंपर आता हुआ, और ये देखिए अभी रोड हो चुके हैं पूरे के पूरे वाइट। तो कल जितने भी लोग आएंगे सोलांग वैली बहुत मजा उनको आने वाला है। और ये वेडनेसडे 6 मार्च 10:28 हुए हैं अभी, और हम लोग अरमान मलिक की प्लेलिस्ट का मजा ले रहे हैं। और जो हमारे साथ भैया आए हैं वो देखिए अभी रात के टाइम पे मजा ले रहे हैं अभी स्नो का अपने फैमिली के साथ। तो बाहर अभी चलते हैं उनको देखते हैं हम, स्नोफॉल जो हो रहा था वो अभी रुक चुका है। तो ये स्नोफॉल अभी रुक चुका है जो काफी देर से सोलांग वैली के अंदर चला था। और ये भैया भी फोटोज वीडियोस बना रहे हैं, और ये देखिए अभी इधर इधर लाइट की तरफ आओ, यहाँ से नहीं दिख रहे, इधर आओ आगे। आपको बंदर देखना है वो देखिए। हाँ आप पहले ऐसे बताओ आपको कैसा लगा बर्फ में आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ। फ्रेश बर्फ है। हाँ। ये और ये छोटा सा बंदर, बंदर को बर्फ में आके कैसा लग रहा है अभी? उधर देखो, उधर देखो कैसा लग रहा है। पापा को देखो, पापा को देखो, एक बर्फ के साथ फोटो, फोटो फोटो। अरे बर्फ के साथ फोटो खींचती थी ना। कितने के दो? बंदर कैसा लगा बर्फ में आके? कैसा लग रहा है? ले 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 ले। अरे देखिए अभी बंदर हो चुका है एकदम खुश। और यहाँ पे ये जो बाइक थी, सारी की सारी बाइक जो है ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ की ही बनी हो। पर मेरे हाथ का पता नहीं क्या हो गया, बेचारी आइस बन गई है। हाथ की आइस बन गई? हाँ। देख लो कहीं आपके साइड में बैठा बंदर खाना जाए इसको आइसक्रीम समझ के। और ये बाइक बहुत सुंदर हो चुकी है अभी, और ये साथ में इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, पूरी बर्फ हो चुकी इनके ऊपर। और अभी हम लोग रिटर्न चल पड़े है यहाँ से 10:40 पे, और ये रोड बिल्कुल वाइट, पीछे से बंदर के चिल्लाने की आवाज आ रही है। बंदर
नहीं रोड पे स्नो आप देख सकते हैं अभी कितनी स्नो है यहाँ पे। अभी स्नोफॉल रुक चुकी है बिल्कुल ना, तो अभी चलते हैं यहाँ से मनाली की ओर और देखते हैं रास्ते में कितनी स्नो हमें मिलने वाली है। और अभी हम पहुंचे हैं सोलांग वैली रिजोर्ट के पास। बहुत सुंदर यहाँ पे लाइटिंग, ये पेड़ जितने भी हैं सारे के सारे स्नो में कवर होके बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा अभी दिख रहा है। और रोड पे स्नो ठीक ठाक है अभी यहाँ तक तो, और इससे आगे स्नो बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि अभी स्नोफॉल रुक चुका है। और अभी ब्लैक आइस भी नहीं बनी है तो गाड़ी बड़ी इजीली चली जा रही है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है अभी ड्राइव करने में। अभी पहुंचे हैं हम पलचान के अंदर और यहाँ पे स्नो बहुत कम है एज कम्पेयर टू सोलांग वैली। और अभी इस मोड़ से आगे थोड़ा सा वो मोड़ है जहाँ पे कुछ दिन पहले अवलांच आया था, तो अभी तो ये रोड बिल्कुल जो है क्लीन हो गए हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है अभी इन रोड के ऊपर। तो कल आप शायद नॉर्मल गाड़ी लेके बड़े आराम से सोलांग वैली तक आ पाएंगे, या फिर हो सकता है सुबह के टाइम पे गाड़ियाँ रोक दी जाए लेकिन 9:30-10 बजे के बाद गाड़ियाँ छोड़ दी जाएगी। अभी 11:21 हुए हैं और ये हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल रोड के पास। और यहाँ पे जो स्नोफॉल सोलांग वैली के पास हो रहा था वो आया था पलचान गांव तक। अभी मनाली की तरफ बिल्कुल भी स्नो नहीं है, सारे के सारे रोड क्लियर हैं, नेहरू कुंड के पास भी स्नो नहीं आई है। तो आप लोग नॉर्मल गाड़ियों से सोलांग वैली तक जा पाएंगे, या फिर हो सकता है सोलांग वैली से 1-2 किलोमीटर पहले तक आप जा पाएं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्नो मिल जाएगी। अभी आपने देखा मॉल रोड का नज़ारा, तो वीडियो को चैनल को बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं, यूं ही प्यार देते रहिए ताकि हम लोग इंस्पायर होके और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी अपडेट्स मनाली की टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आएँ। तो यूं ही चैनल को प्यार देते रहिएगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करो। हम लोग जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।